भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की फिल्म आ रही है वन मैन आर्मी, और इस फिल्म में खेसारी लाल यादव एक बहुत ही बढ़िया गेटअप में दिखेंगे, एक आर्मी ऑफिसर के गेटअप में दिखेंगे। इसका पोस्टर, जी हाँ, इसका पोस्टर देख लीजिए, बहुत ही उम्दा है। जो लोग इस पोस्टर को देख रहे हैं इसकी तारीफ किए बगैर नहीं रुक रहे हैं। सोनू खत्री इसके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं, और इनके नाम से ही आपको बता दें कि इनकी जो फिल्में होती हैं सोनू खत्री की, ये बहुत लार्जर देन लाइफ होती हैं, बहुत ही हैवी बजट की होती हैं। और खेसारी के इस फिल्म की शूटिंग कश्मीर में होगी, जी हाँ आपने सही सुना, कश्मीर में होगी। साथ ही साथ इस फिल्म की शूटिंग यूपी बिहार के कुछ क्षेत्र में और फिर होगी मुंबई में। मुंबई के लिए में इसके लिए बाकायदा सेट लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि इस फिल्म की शूटिंग की कंफर्म डेट तो सामने नहीं आई है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि लंदन से आने के बाद खेसारी इस फिल्म को सबसे पहले करेंगे। साथ ही आपको ये भी बता दें कि खेसारी लाल यादव कि इस फिल्म में नई अभिनेत्री उनके साथ नज़र आएंगी शिल्पा, और उन्होंने इससे पहले कई कमर्शियल और कई म्यूज़िक एल्बम्स भी कर चुकी हैं। इस फिल्म की स्टोरी को हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, एक पेट्रियाटिक फिल्म होगी, ये देशभक्ति पर आधारित फिल्म होगी जिसमें एक फौजी का किरदार निभाते नज़र आएंगे खेसारी लाल यादव। इस फिल्म का जैसे ही पोस्टर आया लोगों के बीच खलबली मच गई, क्योंकि पोस्टर काफ़ी दमदार है। आपको बता दें कि आप जैसे हिंदी फिल्मों में पोस्टर देखते हैं, साउथ की फिल्मों में पोस्टर देखते हैं, बिल्कुल उसी तरह से ये पोस्टर है। और फिर इसके बाद लोग काफ़ी कंफर्म करने लगे कि क्या ऐसी खेसारी की कोई मूवी आ रही है। तो आपको बता दें, जो लोग कंफ्यूजन में हैं वो कंफ्यूजन में मत रहे, खेसारी की सच में एक मूवी आ रही है जिसका आज अनाउंसमेंट किया गया है। फिल्म का नाम है वन मैन आर्मी। इसमें खेसारी एक बहुत ही दमदार फौजी की लुक में दिखेंगे, और खेसारी ने इस वक्त जो लुक रखा है वो इसी फिल्म के हिसाब से रखा है। अपनी बॉडी को जो वो चुस्त दुरुस्त बना रहे हैं, जिम में घंटों पसीना बहा रहे हैं, वो इसी फिल्म के लिए है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।